तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग और अभी बज रहे हैं 8 और हमारा राइड है गंडोला का 11 से 1 बजे वाले में। और ये हमारी टीम है जो ऑलरेडी रेडी होके बाहर आ गई है। मॉर्निंग दोस्तों, सीधा गाड़ी में बैठते हैं, आपको रास्ते में मिलता हूँ। तो दोस्तों अपन निकल गए हैं गुलमर्ग के लिए और आज गुड़िया आगे बैठी है। तो दोस्तों हम निकल गए हैं श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए और गुलमर्ग यहाँ से पड़ता है 51 किलोमीटर। अराउंड अपने को 1 से 1.5 घंटा लगने वाले हैं पहुँचने में। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है यार, मतलब मौसम काफ़ी साथ दे रहा है आज हमारा। दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए थे, ऑर्डर किए थे हम लोग पूरी चाय छोले, बस ये करते हैं निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम पहुँच गए टंगमर्ग। टंगमर्ग से हमको लेने हैं अपने शूज़ और जैकेट्स रेंट पे। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा जैकेट्स मैं लेता हूँ और कौन सा शूज़ मैं लेता हूँ और कितने का पड़ता है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ बस। तो दोस्तों ये हमारा शॉप नंबर था जहाँ से हमने लिया एड्रेस है और ये कुछ शूज़ है, मेरा ड्रेस है देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और हमको पड़ा है रेंट 300 रुपये पर हेड के हिसाब से। दोस्तों हम टंगमर्ग से निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए और अराउंड यहां से पड़ता है 13 किलोमीटर। बस अब कुछ ही दूर में हम पहुंचने वाले हैं गुलमर्ग। तो दोस्तों हम पहुंच गए गुलमर्ग और यहां पे हमारा टोल कटेगा टैक्सी स्टैंड का और अपन सीधा चलेंगे अंदर। और काफ़ी सुंदर व्यू यहीं से नज़र आ रहा है मुझे, मैं आपको पहुँच के और अच्छे से दिखाता हूँ कितना सुंदर दिख रहा है यार यहाँ से। और ये कुछ ग्रीन वैली टाइप का नज़र आ रहा है मुझे, काफ़ी सुंदर एक ग्रीन वैली दिख रही है मुझे यहाँ से। तो दोस्तों आ गए अपन गुलमर्ग और बस इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, देखते हैं कितना भीड़ है। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:45 के आसपास हो रहा है क्या दिल लगी। और ठंड तो अभी लग रही, काफ़ी लग रही है। ये है गंडोला राइड का जो मेन पॉइंट। गंडोला वेलकम व्यू, ये ऐसा कुछ भी है यार। हेलो नेहा, कैसा लग रहा है? बता रहा है बढ़िया, बहुत ठंड है ऊपर और ठंड मिलेगा। ये कुछ ऐसा एंट्री गेट है और मुझे दूर से ही नज़र आ रहा है काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, तो अंदर जाके दिखा। भाई साहब इतना लंबा लाइन लगा है? तो दोस्तों ये कुछ ऐसा लाइन है, ये प्लीज टूरिस्ट ध्यान दीजिएगा। बस दोस्तों अब थोड़ी ही देर में हम बैठने वाले हैं गंडोला राइड करने के लिए। तो दोस्तों गेट भी लॉक हो गया और हम तो दोस्तों ऐसा कुछ व्यू है गंडोला राइड का, नीचे ज्यादा बर्फ अभी दिख नहीं रहा, ऊपर जाएंगे तो और भी दिखेगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसी ही इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है और साथ में बर्फ भी काफी बढ़ता जा रहा है, काफी स्नो ऊपर मिल रहा है हमको, तो ऊपर जाके और भी दिखाता हूँ मैं। ये कुछ व्यू है दोस्तों, चलते दोस्तों ये है सेकंड फेज का एंट्रेंस। दोस्तों एक गाइड मिले हैं उनके साथ अपन जा रहे हैं। स्की हो गया, अब चलते हैं। कम से कम 2 से 3 बार हम लोग गिरे हैं यहाँ पे और हम रोज गिरते रहते हैं। तो दोस्तों हो गया एंजॉय हमारा स्की का, अब सीधा आगे चल रहे हैं, मोटर बाइक का पॉइंट है तो वो एंजॉय करते हैं, देखते हैं करने का मन हुआ तो करेंगे, अदरवाइज नहीं तो नहीं करने वाले। कैसा लगा सब कुछ स्की करके? मजा आ गया। कैसा लगा गुड़िया? खाली है, सेवन स्क्रीन देखेंगे फिर जाएंगे। थोड़ी ही देर में सबको भूख लगना स्टार्ट हो गया तो सीधा अपन चलते हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए। तो आगे चलते हैं, दिखाता हूँ कुछ रेट्स है गुलमर्ग के फेस 1 में, काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे, अब देखते हैं फेस 2 में कैसा रहता है। अब सीधा ऊपर चलते हैं अपर्वत,
और काफ़ी भीड़ है वो दिखाता हूँ मैं। देखिए काफ़ी भीड़ है, अभी क्राउड है, कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। दोस्तों हम लग गए सेकंड फेज में जाने के लिए लाइन, और लाइन तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, अराउंड हमको एक घंटा हो गया खड़े हुए यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए सेकंड फेज, और सेकंड फेज आते ही हमको स्नोफॉल दिख गया, काफ़ी ज़ोरदार है यहाँ पे स्नोफॉल, बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। काफी कोल्ड है यार यहाँ पे। तो दोस्तों पर्वत में इतना ज्यादा स्नो गिर रहा है ना, हम लोग बड़ी मुश्किल से फोटो क्लिक करा पाए हैं। और ये है गुड़िया का कुछ हाल, काफी मजा आ रहा है गुड़िया को भी। और ये है भूमिज भाई, और ये नेहा, और मैं हूँ ये। काफी मजा आ रहा है, और अपने पास क्या हमको ये, और ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और स्नो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे, और मेरा हाथ पूरा जम गया। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग के लिए मैं अपना हाथ खोल के वीडियोग्राफी कर रहा हूँ मैं, तो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। स्नोफॉल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर लिए दोस्तों, आप सीधा चलते हैं। और यहाँ ऑक्सीजन की भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, हाथ दुखने लग गए, अब सीधा चलते हैं अंदर यार, अब रिटर्न जाने का टाइम हो गया है। फिर हम आ गए लाइन पे सेकंड फेज से फर्स्ट फेज जाने के लिए, काफ़ी लंबी लाइन थी, और ठंड तो पूछो मत यार, हाथ जम गए थे। मज़ा आ रहा है, एक नंबर, बहुत ज़्यादा ही, बहुत मज़ा आ रहा है। हम निकल गए सेकंड फेज से फर्स्ट फेज में जाने के लिए, और यहाँ से यार बहुत सुंदर दिखता है, हर तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ है, काफ़ी सुंदर ये लग रहा है हमको यार। और नीचे आते आते हमको कुछ लोग दिखे जो पैदल सेकंड फेज पे गए थे। ये है अपना 50 रुपये का बेल, बेल है, और ये कुछ ऐसा लाइन लगा हुआ है। काफ़ी देरों बाद हम हमारा नंबर लगा फर्स्ट फेज से अब ग्राउंड पे जाने का, बट ये काफ़ी सुंदर सफ़र था यार गुलमर्ग का, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमको यहाँ। काफ़ी बर्फ थी खेलने के लिए, बट हैवी स्नोफॉल था, हम ज़्यादा खेल नहीं पाए सेकंड फेज पे, और फर्स्ट फेज तो पूरा एक्टिविटी से भरी हुई थी, काफ़ी सुंदर ये लोकेशन था। तो दोस्तों हमारा हो गया राइड, और काफ़ी स्नो देखने को मिल रहा है हमको नीचे में भी, तो बस अब जा रहे हैं यार घर। कैसा लगा गुलमर्ग? मजा आया, शैडो आ रहा है ना लाइक। तो दोस्तों यहाँ पे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पोस्टर लगा था, हम लोग देख के आते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ ऐसे चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे जाके बताते हैं क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों पहुँच गए हम हब्बा खातून, इनकी जो भी स्टोरी होगी मैं डाल दूँगा। ये है कुछ ऐसा व्यू पॉइंट, काफ़ी सुंदर है। काफ़ी सीनिक व्यू था यहाँ पे जो हम देखे अब्बा खातून के पास, तो सीधा चलते हैं दोस्तों, काफ़ी थक गए हैं, और थोड़ा सा ऊपर है रोड से। दोस्तों ये है द्रंग जो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में था, तो हमने भी देखने आया, बट अभी यहाँ पे कुछ भी है नहीं ढंग का। दोस्तों हम पहुँच गए होटल, अब सीधा चलते हैं रेस्ट करते हैं, काफ़ी थक गए, और आज का दिन काफ़ी सुंदर था, काफ़ी मज़ा आया हमको आज। दोस्तों आप अभी बने हुए मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर आना, मिलते हैं एक और धमाकेदार व्लॉग में।